हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने राफेल डील पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने से क्षुब्ध और दुखी होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकी सदस्य और विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे काफी दुखी होकर यह निर्णय ले रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए किस पार्टी में जाएंगे अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद विचार विमर्श करेंगे, यहाँ भी हम अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे। क्या अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है और जैसा मैंने कहा कि पहला जो कदम हमने उठाया वो ये उठाया है कि सीपी और लोकसभा से मैंने इस्तीफा दिया। बिहार शरीफ के नालंदा महिला कॉलेज में लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छात्रों और जीविका समूह की महिलाओं के बीच स्वच्छता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य को अपने जीवन में स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता है, स्वच्छता से ही नयापन आएगा, स्वच्छ मनुष्य की स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकता है। स्वच्छता को अपनाने के लिए हर मनुष्य के जीवन में जरूरी है, स्वच्छता से ही नयापन आएगा, स्वस्थ मनुष्य ही स्वास्थ्य समाज की स्थापना कर सकता है। और यहाँ के बच्चे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता को अपनाने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हमें कामयाबी मिलेगी और 2019 तक हम बिहार को स्वच्छ बनाकर हम बिहार को लाचारी और परेशानी से मुक्त करेंगे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय टाउन हॉल में स्वच्छता ही सेवा अभियान का बैठक किया गया, जिसमें जिले से आए डीएम ब्रजनाथ यादव, डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा, सीडीपीओ अनीता चौधरी, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में त्रिवेणीगंज खंड के सभी पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि उपस्थित थे। हमारे जिले को 31 दिसंबर तक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन हम लोगों ने अपने त्रिवेणीगंज अनुमंडल को छठ फर्व तक प्रॉब्लम सॉल्व रखने के लिए अनुमंडल के दोनों प्रखंडों में हमारे जो पंचायत संस्था के प्रतिनिधि, मुखिया जी, वार्ड मेंबर के साथ साथ जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अन्य जितने भी हमारे कर्मी हैं प्रखंड के, सारे लोगों के साथ बैठक करके उनकी प्रगति की समीक्षा, कहाँ कमी है, कहाँ गैप है, उसको कैसे पूरा किया जाए, सारे पर चर्चा की है। दवा व्यवसाय में ई फार्मेसी सिस्टम को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दवा व्यवसायियों के देशव्यापी बंद का पटना, मोकामा, बख्तियारपुर, बेगूसराय और कई जिलों में व्यापक असर देखा गया। प्रखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों की तमाम दवा दुकानें पर ताला जरा रहा, हर तरफ बंद का पूर्ण असर रहा। इस बंद के आह्वान से आम लोग की परेशानी काफी बढ़ गई, खासकर मरीजों को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। काफी परेशानी हो रही है, सब दुकान बंद है दवाई के, और हम इमरजेंसी में काफ़ी परेशान है। दवाई लेने के आए थे, ये दुकान बंद है, इधर भी दुकान बंद है, उधर भी दुकान बंद है, हम काफ़ी परेशान है, दो घंटों से परेशान है दुकान पर। इधर दवा व्यवसायियों ने इस सांकेतिक हड़ताल के बाद और व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। हम लोगों का प्रमुख मांग है कि दवा बिक्री के क्षेत्र में जो है ऑनलाइन लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे जो है आमजन को काफ़ी असुविधा होगी और दवाओं का दुष्प्रयोग होगा, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और इसी बंद के बंदी के ट्रेस या फिर बंदी के तहत हम लोग भी दुकानों को बंद रखे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ई फार्मेसी का किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे भारत बंद है दवा दुकान, इसके तहत बख्तियारपुर आज पूरे उसके समर्थन में बंद है। प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बंद करो। आप
क्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह घटना सचिवालय हॉल के नजदीक की है। डाउन लाइन ट्रैक पर दोपहर एक युवक का शव मिला। वहीं मामले की जानकारी पाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अररिया जिले में हो रही मानव तस्करी, बाल विवाह जैसे कुरीतियों को रोकने के लिए शुक्रवार को जिला समरणालय के सभा भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका संचालन जन जागरण संस्थान और एशिया फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इसके अलावा जिले के विभिन्न पदों पर पदस्थापित पदाधिकारी भी मौजूद थे। एजुकेशन स्टैक इंपोर्ट ना बढ़िया से लेके गए, आप हॉस्टल हॉस्टल में रखे अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वो ट्रैफिकिंग नहीं है। उसमें एक्सप्लोइटेशन अगर इंपोर्ट है तब वो ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आ रहा है। अब वो लेबर के लिए लेके जा रहा है, शादी के नाम पे लेके जा रहा, बहुत लड़कियां, मैं आपको बता रहा हूँ जिस क्षेत्र से मैं आता वेस्टर्न यूपी से, वहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि वहां लड़कियां नहीं है, उन्होंने तो सब भ्रूण हत्या में एक्सपर्ट रहा ना हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, सीरियसली वो तो लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया ना पिछले 30-40 सालों। कन्हौली के वंश रोपण राम बहादुर सिंह यादव कॉलेज के छात्रों का हंगामा, रोड जाम, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से पटना आरा NH 30 जाम कर कॉलेज में तोड़फोड़ किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि इस कॉलेज में लगभग 1200 से 1300 छात्र हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, लेकिन मगध विश्वविद्यालय का पार्ट 3 की परीक्षा है, 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज के छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है। बेगूसराय में बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान दुकान पर रुकने पर बाइक के डिक्की से 1,73,000 चोरी कर लिया गया। घटना की पूरी तस्वीर दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना बखड़ी थाना क्षेत्र के बखड़ी बाजार की है। बताया जाता है कि बखड़ी निवासी मिथुन कुमार साहब बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जाँच कर रही है। घर आ रहे थे, रास्ते में कुछ काम से हम रुके, उसी क्रम में तीन आदमी मेरे पीछे करते हुए आया और एक आदमी मेरे आगे में घेर लिया और एक आदमी चाबी से खोल के 1,73,000 रुपया लेके भाग गया। बीटा थाना क्षेत्र के खेदलपुरा के पास से BSF के जवान से बाइक सवार अपराधियों ने 2,00,000 लूट लिए। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके पर से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में पीड़ित जवान ने बीटा थाना में मामला दर्ज करवाया है। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना बछवारा थाना क्षेत्र के झमटिया गंगा घाट की है। मृतक समस्तीपुर जिले के पतेलिया गांव निवासी चंदन कुमार है, जो अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था। इसी दौरान गंगा नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चंदन के शव को बाहर निकाला। बछवारा थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया है। समस्तीपुर पतलिया से आए थे ग्रामीण नहाने के लिए, नहाने के दौरान वो डूब गए। डूबने के बाद हम लोग ग्रामीण मिलके उनको ऊपर किए। अपार्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने वाली शातिर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटना के पौश इलाके नागेश्वर कॉलोनी में अपार्टमेंट के फ्लैट को लेकर पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पीर बहोर और कोतवाली के संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरवर नाजमी नाम का युवक, जो लगभग दर्जनों फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे की उगाही कर भाग गया था, नाम बदलकर पटना के पीर बहोर थाना इलाके में रह रहा था। इस बात की सूचना कोतवाली थाना प्रभारी को मिली, तब उन्होंने मिलकर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। कोई लेना देना उनसे ही विवाद चला है। और भी किसी को चपट दिए थे इस टाइम का? कहीं तो कोई ऐसा मामला नहीं है। बहुत सारे मामले में आप आरोपित हैं, 2011 से अवांछित हैं आप? जी नहीं, इस केस की हमको जानकारी नहीं थी और तो कोई ऐसा मामला है नहीं।
वो अपार्टमेंट बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर नजमी है। तो आपकी कंपनी का क्या नाम था? मंगलम होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ रहते थे आप? अभी तो हम RPS में रह रहे हैं, ऐसे हम रहने वाले हैं शरीफ कॉलोनी। गांधी मैदान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्ती के दौरान दो अपराधियों को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 7 पुड़िया गांजा के साथ उद्योग भवन के नीचे से गिरफ्तार किया है। इस मामले में बताया जाता है कि अजय और राजू नाम के दो अपराधी, जो कि सब्जी बाग के रहने वाले हैं, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन रात्रि में पुलिस गश्ती ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मौका वारदात से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पटना में लगातार छात्र एवं छात्राओं का हंगामा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर सेंट जेवियर्स के थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं ने एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर कॉलेज के परिसर में खूब हंगामा मचाया। मलाउपी थाना क्षेत्र के रामपुर डुमरा गांव स्थित मिश्रिया बाबा पेट्रोल पंप से अपराधियों ने हथियार के साथ एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। हथियार के बल पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 1,00,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर चलते बने। मिल रही खबरों के मुताबिक शुक्रवार की अहले सुबह पंचमहला ओपी के रामपुर डुमरे के पेट्रोल पंप पर अचानक 6 की संख्या में अपराधी ने धावा बोल दिया। लूट की यह घटना इलाके के प्रसिद्ध व्यक्ति नरसिंह के पेट्रोल पंप की हुई है। सर, 6 गो अपराधी आया, इनके मुंह झांपे हुए हथियार के, हथियार ले वही आके सटा के पूरा काउंटर खुलवा के पैसा ले, पूरा धमकी कहन उठी, मार पीट, गाली गलौज करके तोड़फोड़ भी किया था क्या? हाँ, एक कुर्सी तोड़ा, काउंटर तोड़ा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कुपोषण मिटाने को लेकर पोषण अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से अररिया के टाउन हॉल में पोषण मेला का आयोजन किया गया। इस पोषण मेले में विभिन्न विभाग के लोग शामिल हुए। इस मेले का उद्देश्य लोगों में संबंधित जानकारी व जागरूकता फैलाना था। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा प्रदर्शनी व स्टॉल लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने फीता काट किया। इसके अलावा 2 सहयोगी संस्थाएं भी हैं, तो मैं एक एक मिनट के लिए उनको आपके सामने पेश करूंगा ताकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जानकारी प्राप्त हो सके। इस बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 8 मार्च को NNM का राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत के क्रम में ये बताया गया कि 1 माह के लिए इसे अभियान के रूप में मनाया जाएगा ताकि जन जन तक ये बात पहुँच जाए कि ये अभियान हमें आगे भी चलाना है। कुपोषण की जो स्थिति है वो NFHS के जो आंकड़े हैं उसमें अराउंड 45% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उसी के तहत जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसमें भी हमारे ज़िले को शामिल किया गया है। मकसद यही कि हर वर्ष कम से कम 2% की कमी कुपोषण की दर में लाई जाए और देश में अपने ज़िले में पोषण दर में वृद्धि हो, बच्चों का सही पोषण, सही बच्चों, सब बच्चों को मिल सके। हाजीपुर के लालगंज में दुकान में चोरी की घटना से परेशान दुकानदार ने जब दुकान में CCTV लगवाया तो चोरी करने वाले चोर की शातिर चोरी पकड़ में आए। दिन के उजाले में चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को दुकानदार ने खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लालगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले केदार सिंह बीते कुछ दिनों से दुकान के कीमती मोटर्स के चोरी किए जाने से परेशान थे, लेकिन दुकान में लगाए गए CCTV कैमरे की वजह से आखिर शातिर चोर और उसकी करतूत पकड़ में आई और चोरी कर भाग रहे चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली। उठा के ऐसे दुकान में कोई नहीं तो उसमें बैठा था, वहाँ एक दिन पहले 2 मोटर गायब था तो फिर उसको देखा गया कैमरा में, तो वही आदमी था जो आज उठा के रहा, वही कल उठा के 2 बार मोटर ले गया। जब उसको बैठा के रखे सर कैमरा देखे तब पता चला था, ऐसे तो भागले था जहाँ कोई पता नहीं था जहाँ कौन चोर ले गया।
हाजीपुर में रेल पुलिस ने एक ऐसे सातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसने अपने हुनर के दावे के साथ खुद को स्मार्ट चोर बताया। हाजीपुर स्टेशन पर यात्रियों के लगातार चोरी हो रहे मोबाइल फोन और शिकायतों के बाद रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी की निगरानी की। निगरानी के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया जिसके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन मौके पर ही बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि शातिर चोर एक ऐसे गैंग का सदस्य है जो बिहार से तमिलनाडु तक ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। ये 6 मोबाइल तुम कितने देर में गायब कर लिए? आधा घंटा में। क्या सब रेलवे स्टेशन के आसपास में ही किए? जी। काउंटर वगैरह पे करते हो? पूछताछ वगैरह में। इतना जल्दी कैसे कर लेते हो? फास्ट हो। इसकी अपराध शैली ये है कि ये बुकिंग काउंटर के पीछे भीड़ भाड़ में खड़ा हो जाता है और यात्रियों को धक्का धोके करके उनका पॉकेट से मोबाइल और पर्स निकालने में इसको महारत हासिल है, निकाल लेता है। कल इसने आधे घंटे के अंदर लगभग 6 यात्रियों का मोबाइल और 1 यात्री का पर्स इसने पिक पॉकेटिंग किया और मेरे द्वारा बिछाए गए जाल के वही कल फंस गया। सीसीटीवी पर भी इसकी निगरानी पहले से की जा रही थी क्योंकि हमको सूचना मिल रही थी कि लाल शर्ट में एक युवक जो है वो घूम रहा है यहाँ पे, इसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। मोकामा नगर परिषद अवस्थित दलहन अनुसंधान केंद्र में उड़द की प्रायोगिक खेती काफी कारगर साबित हो रही है। इस फसल की खेती में लागत काफी कम है लेकिन मुनाफा बंपर होता है। मोकामा टाल क्षेत्र में भी उड़द की खेती कर किसान अपनी खुशहाली की पटकथा गढ़ रहे हैं। पटना कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक की एक टीम ने अनुसंधान केंद्र में उड़द की उम्दा फसल का अवलोकन कर यह दावा किया है। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत घिवरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिषद में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं आयोजित कार्यक्रम के तहत बच्चों का विशेष शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्रखंड केआरपी पूनम पाठक, प्रधानाध्यापक राम प्रवेश राम, प्रखंड सचिव उमेश कुमार उजाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार सरकार के द्वारा जो जन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये अक्षर आंचल योजना के तहत जो टोला सेवक शिक्षा स्वयं सेवक अब काम कर रहे हैं उसी के तहत अभी कोई बच्चा छूटे नहीं, माता पिता भी पीछे नहीं। इसी के उद्देश्य को लेकर कि बच्चे का भी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है और फिर उनके अभिभावक जो उनकी माता है जो अनपढ़ है जो असाक्षर महिला है उसके लिए भी ये योजना है। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के प्रांगण में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण, घर का सम्मान के मसले पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम वैद्यनाथ यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रखंड का सम्मान है, सिर्फ राजस्व की पदवी का सम्मान नहीं है। मुखिया जी को भी श्री भजन राम जी एक जोरदार ताली मुखिया जी के लिए, वहां के तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जनता को बधाई, हार्दिक बधाई, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद मुखिया जी, थैंक यू, स्वागत है आपका, अभिनंदन है सर का प्यार, एक जोरदार ताली टूटू पंचायत के लिए। जो भी हमारा शादी का स्थान है चाहे बस स्टैंड, जो हमारा धार्मिक स्थल है चाहे कहीं मेला लगने का लगता है, उन सारी जगहों को भी कवर करने के लिए भी चर्चा की है और हमारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे पंचायत उपलब्ध असंबद्ध राशि है, यहाँ तक विकास आयुक्त महोदय जी ने कहा कि आपके अभी पास जिला परिषद है ये भी आप देखें, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बख्तियारपुर में रेल पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेरने के बाद बख्तियारपुर बाढ़ एवं मोकामा रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म एवं विभिन्न ट्रेनों एवं तस्करों से बरामद अवैध देशी एवं विदेशी सैकड़ों लीटर शराब को लेकर नष्ट कराने हेतु बाढ़ पहुंची, जहां बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमलकांत प्रसाद, एसडीओ संजय राजू एवं उत्पाद विभाग के निरीक्षक के नेतृत्व में सैकड़ों लीटर शराब को जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। इस संदर्भ में रेल पुलिस ने बताया कि विभाग से वरीय पदाधिकारी के आदेश प्राप्त होने पर तीनों रेल थाने से देशी एवं विदेशी शराब एकत्रित कर करीब 2000 लीटर बरामद शराब को नष्ट किया गया है। ऐसे ही
वेतन भुगतान की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर बिहार के सरकारी अस्पतालों की नर्सों की बेबुनियादी हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल से बाढ़ अनुमंडल के तमाम सरकारी अस्पतालों में व्यापक असर देखा गया। 24 सितंबर से शुरू हुई नर्सों की यह हड़ताल पांचवें दिन भी कायम रही। हड़ताली नर्सों की मांग है कि सरकार बकाए वेतन का तत्काल भुगतान करे। इस हड़ताल से बाढ़, मुकामा और बख्तियारपुर के सरकारी अस्पतालों में प्रक्रिया बाधित हो रही है। हम लोग का 7 महीना से नहीं मिला है वेतन। बहुत बहन है, उनको 15 महीना से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग बेमियादी हड़ताल पर हैं। काम करेंगे, काम नहीं करेंगे उपस्थित रहेंगे। कार्य बहिष्कार में हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए 24 तारीख से हड़ताल पर हैं। लखीसराय जिले के तेतरहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से चोरी की गई बालू से भरा ट्रैक्टर चालक की अनियंत्रित गति व लापरवाही के कारण एक महिला को जोरदार धक्का लग गया। उक्त महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने लखीसराय जमुई सड़क मार्ग को टायर जलाकर अवरुद्ध कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बालू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने एवं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बालू चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बालू चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केउन रेलवे स्टेशन के नजदीक किसी ट्रेन दुर्घटना के पश्चात होने वाले बचाव राहत कार्यों का दानापुर मंडल द्वारा एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया गया, जिसमें रेलकर्मी, आम आदमी एवं पत्रकारों के बीच ट्रेन दुर्घटना के पश्चात होने वाली बचाव राहत कार्यों के लिए कई तकनीकी जानकारी दी गई। मोकामा के पंचमहला ओपी थाना क्षेत्र के रामपुर डुमरा गांव स्थित मिश्रिया बाबा पेट्रोल पंप से अपराधियों ने हथियार के साथ एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। हथियार के बल पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर चलते बने। मिल रही खबरों के मुताबिक शुक्रवार की अहले सुबह पंचमहला ओपी के रामपुर डुमरे के पेट्रोल पंप पर अचानक 6 की संख्या में अपराधी ने धावा बोल दिया। लूट की यह घटना इलाके के प्रसिद्ध व्यक्ति नरसिंह के पेट्रोल पंप की हुई है। सर, 6 अपराधी आया, एक मुंह झांपे हुए हथियार के, हथियार ले वही आके एक सटा के हमारा काउंटर खुलवा के पैसा ले, पूरा धमकी कहन उठी, मार पीट, गाली गलौज करके तोड़फोड़ भी किया था क्या? हाँ, एक कुर्सी तोड़ा, काउंटर तोड़ा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कुपोषण मिटाने को लेकर पोषण अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से अररिया के टाउन हॉल में पोषण मेला का आयोजन किया गया। इस पोषण मेले में विभिन्न विभाग के लोग शामिल हुए। इस मेले का उद्देश्य लोगों में संबंधित जानकारी व जागरूकता फैलाना था। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा प्रदर्शनी व स्टॉल लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने फीता काट किया। इसके अलावा 2 सहयोगी संस्थाएं भी हैं, तो मैं एक एक मिनट के लिए उनको आपके सामने पेश करूंगा ताकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जानकारी प्राप्त हो सके। इस बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 8 मार्च को एनएनएफ का राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत के क्रम में ये बताया गया कि 1 माह के लिए इसे अभियान के रूप में मनाया जाएगा ताकि जन जन तक ये बात पहुँच जाए कि ये अभियान हमें आगे भी चलाना है। पोषण की जो स्थिति है वो एनएफएचएस के जो आंकड़े हैं उसमें अराउंड 45% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उसी के तहत जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसमें भी हमारे ज़िले को शामिल किया गया है। मकसद यही कि हर वर्ष कम से कम 2% की कमी कुपोषण की दर में लाई जाए और देश में अपने ज़िले में पोषण दर में वृद्धि हो, बच्चों का सही पोषण, सही बच्चों, सब बच्चों को मिल सके।
हाजीपुर के लालगंज में दुकान में चोरी की घटना से परेशान दुकानदार ने जब दुकान में सीसीटीवी लगवाया तो चोरी करने वाले चोर की शातिर चोरी पकड़ में आई। दिन के उजाले में चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को दुकानदार ने खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लालगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले केदार सिंह बीते कुछ दिनों से दुकान के कीमती मोटर्स के चोरी किए जाने से परेशान थे, लेकिन दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की वजह से आखिर शातिर चोर और उसकी करतूत पकड़ में आई और चोरी कर भाग रहे चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली। उठा ऐसे दुकान में कोई नहीं तो उसमें बैठा था, वहाँ एक दिन पहले दो मोटर गायब था तो फिर उसको देखा गया कैमरा में, तो वही आदमी था जो आज उठा के रहा, वही कल उठा के दो बार मोटर ले गया। जब उसको बैठा के रखे सर कैमरा देख के तब पता चला था, ऐसे तो अगले था जहाँ कोई पता नहीं था जहाँ कौन चोर ले गया। हाजीपुर में रेल पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसने अपने हुनर के दावे के साथ खुद को स्मार्ट चोर बताया। हाजीपुर स्टेशन पर यात्रियों के लगातार चोरी हो रहे मोबाइल फोन और शिकायतों के बाद रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी की निगरानी की। निगरानी के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया जिसके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन मौके पर ही बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि शातिर चोर एक ऐसे गैंग का सदस्य है जो बिहार से तमिलनाडु तक ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। ये 6 मोबाइल तुम कितने देर में गायब कर लिए? आधा घंटा में जी। क्या सब रेलवे स्टेशन के आसपास में ही किए? जी। काउंटर वगैरह पे करते हो? पूछताछ वगैरह में। इतना जल्दी कैसे कर लेते हो? फास्ट हो। इसकी अपराध शैली ये है कि ये बुकिंग काउंटर के पीछे भीड़ भाड़ में खड़ा हो जाता है और यात्रियों को धक्का धोके करके उनका पॉकेट से मोबाइल और पर्स निकालने में इसको महारत हासिल है, निकाल लेता है। कल इसने आधे घंटे के अंदर लगभग 6 यात्रियों का मोबाइल और 1 यात्री का पर्स इसने पिक पॉकेटिंग किया और मेरे द्वारा बिछाए गए जाल के व्हीकल फंस गया। सीसीटीवी पर भी इसकी निगरानी पहले से की जा रही थी क्योंकि हमको सूचना मिल रही थी कि लाल शर्ट में एक युवक जो है वो घूम रहा है यहाँ पे, इसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। बिहार में शराबबंदी के बीच पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। वैशाली जिले के मंसूरपुर में शराब से भरी एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है जिसमें नेपाल की शराब भरी थी। करीब 400 कार्टून शराब के साथ पुलिस ने एक धंधेबाज को भी हिरासत में लिया है। नेपाली शराब की खेप पूर्णिया के रास्ते बिहार लाई गई थी और उसे छपरा भेजा जा रहा था। देखा उसमें नेपाली शराब उसमें मिला और जिसको हम लोग मैंने विधिवत जब्त करके चालक को गिरफ्तार किया और लाए थाना। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।